आते फ्री फायर को 1 से 2 GB रैम वाले पीसी लैपटॉप है और आप थक चुके हैं यूट्यूब पे सर्च कर करके, गूगल पे सर्च कर करके, फिर भी आपको एक बेहतर एमुलेटर नहीं मिल रहा है जिसमें कि आप फ्री फायर अच्छे FPS के साथ खेल सके अपने पटैटो पीसी में। इस ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ब्रांड न्यू एमुलेटर लेके आऊँ जो कि फ्री फायर के लिए ही क्रिएट किया गया है। तो भैया अगर आप इस एमुलेटर को डाउनलोड करना चाहते हो और आप अच्छे से फ्री फायर खेलना चाहते हैं तो भैया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। और एक बात दोस्तों की जाए खुद फान के डाउनलोड मत कर लेना, पहले वीडियो को देख लो कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे प्ले करना है, क्या सेटिंग करना है, उसके बाद आराम से खेलना। और एक बात दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई घर क्या रहे हो, लाइक कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे जोर से मुक्का मार के दबाओ एंड बेल आइकन को प्यार से दबा दो, ऑल पे कर लेना क्योंकि जैसी कोई मैं इस तरह का एमुलेटर का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर। तो वेल गाइस, यहाँ पर आपको एमुलेटर डाउनलोड कर लेना। एमुलेटर का साइज आपका 1.1 GB है, ठीक है। एंड पहली बात, इसमें आपको गेम प्री इंस्टॉल मिलता है, आपको गेम इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं, खासकर ये फ्री फायर के लिए ही एमुलेटर को रीडेवलप किया गया है। तो भैया 500 MB के आपको 2 पार्ट डाउनलोड करने हैं, लास्ट का पार्ट रहेगा वो 100 MB का रहेगा। एमुलेटर से आप सिंगल पार्ट डाउनलोड कर सकते हैं 1.1 GB का, तो भाई वो भी मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और पार्ट्स पे डाउनलोड करना है तो भाई पार्ट्स डाउनलोड करो, तो यहाँ पर मैं पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट ऑल करो। यहाँ पर आप किसी से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, 7-Zip या बनार से, तो यहाँ पर अभी भी मैं 7-Zip से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। पासवर्ड आपको डिस्क्रिप्शन वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप पासवर्ड देख सकते हो। ऑलराइट, तो बल्कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा एमुलेटर सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको गरीना स्मार्ट करके यहाँ पर आपको दिखेगा। तो भैया इसका साइज अप्रॉक्स 1.1 GB ले लो, मतलब ये इतना ही पकड़ लो। सिंपली आपको इसे डबल टैप करके ओपन करना है, खास कर सिर्फ फ्री फायर के लिए। और अगर आपके पास 1 GB रैम है, 2 GB रैम है, ग्राफिक कार्ड नहीं है तो भाई काफ़ी मक्खन जैसा आपका गेम चलने वाला है और यार कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ ये अलग लैंग्वेज में लिखा रहेगा, सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आप जिस बैटरी पे आप इसे इंस्टॉल करना चाहे दोस्तों वहाँ पर 4 GB के आसपास स्पेस खाली रखना, तो इसे मैं डी में इंस्टॉल कर रहा हूँ। सिंपली मैं ओके में क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। से इंस्टॉल होने में भी आपका 10 से 5 मिनट ले सकता है आपके कंप्यूटर के स्पीड के ऊपर, तो चलिए इसे इंस्टॉलेशन होने देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा एमुलेटर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आपने इंस्टॉल करके रखा होगा, वहाँ पर आपको एक फोल्डर मिल जाएगा गरीना स्मार्ट करके, सिंपली आपको इसे ओपन करना है। आपको एक फोल्डर मिल जाएगा प्रोजेक्ट टाइटन करके, सिंपली आपको इसे ओपन करना है। यहाँ पर आपको इंजन पे चले जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको लॉन्चर दिखेगा, सिंपली आपको इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। हो सके तो इसको आप क्रिएट अ शॉर्ट आइकन भी कर लो कि बार बार खोलना ना पड़े। तो भैया ये कुछ इस तरह से एमुलेटर का इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं पहले ही बता दूँ, यहाँ गेम आपको इंस्टॉल नहीं करना, कुछ भी सेटिंग वेटिंग नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिंपली आपको यहाँ पर जाना है एंड यहाँ पर बस फ्री फायर को आपको ओपन कर लेना है। भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका गेम काफ़ी ओपी चलने वाला है एंड कोई भी आपको लैगनेस का इशू देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप पे फ्री फायर लैग करता है तो भाई ज़रूर से इस एमुलेटर को एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि खासकर इस एमुलेटर को रीडेवलप किया गया है फ्री फायर के लिए। सिर्फ आप फ्री फायर इसमें काफ़ी ओपी तरीका से खेल सकते हो। तो यहाँ पर मेरा कुछ अपडेट आया, मेरे को और एक अच्छा बात ये लगता है कि इस एमुलेटर में आपको कोई भी की मैपिंग करने का ज़रूरत नहीं होगा। प्री की मैपिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, तो जैसे कि देख सकते हो, सो वेल जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा गेम है वो काफ़ी स्मूथली रन कर रहा है। एंड यहाँ पर अपन चलिए जंप कर लेते हैं एंड यहाँ पर अपना जो माउस सेंसिविटी है दोस्तों, खासकर काफ़ी सारे ऐसे एमुलेटर रहते हैं जो माउस सेंसिविटी बहुत ही ख़राब रहता है, अपने को ऑटो एडजस्ट करना पड़ता है, बट यहाँ पर आपको प्री एडजस्ट सभी चीज़ें मिल जाती हैं। बट आप गौर करोगे जैसे ही अपन लैंड करते हैं अपने डेस्टिनेशन में तो यहाँ पर जो हमारा जो ग्राउंड रहता है वो ब्लर हो जाता है। हम अपन क्या होते हैं कि अपन आधा ज़मीन में लटक के ऐसे आगे चलते रहते, तो देखो यहाँ पर अपने को वो एरर देखने को नहीं मिला, वो ग्लिच अपने को नहीं देखने मिला। तो काफी लो एंड पीसी लैपटॉप पे फ्री फायर खेल सकते हो और भी बिना परेशानी के एंड बिना लैग के, बिना किसी इशू के। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड हाँ दोस्तों अपने प्यारे रसगुल्लो दोस्तों के साथ शेयर करो कि भाई वो अगर फ्री फायर में लैग फेस कर रहे हैं तो भैया ये न्यू एमुलेटर को ट्राई करें। मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।